मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी के ऐप को डाउनलोड करें और इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो अपने पद से हटने ही वाले हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें जेल हो जाएगी? दुनिया के सबसे ताकतवर ऑफिस में बैठा हुआ सबसे ताकतवर आदमी क्या कुछ दिनों के बाद एक सामान्य कैदी की जिंदगी जीने को मजबूर हो सकता है? यह सवाल बहुत ही अहम है और यह सवाल अहम इसलिए भी है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अर्श से फर्श तक वो कैसे हो रहा है, वो कैसे हो सकता है, अगर होगा तो कैसे होगा। इस बात को समझने के लिए दो एक बातों को हमें जानना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो चुका है। इसके बाद वो सीनेट में भेजा जाएगा और सीनेट में उसकी जांच होगी, उस पर बहस होगी, वहां भी वोटिंग होगी। लेकिन समय एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। उस दिन वो अपने ऑफिस से हट जाएंगे और उसके पहले हो सकता है कि 19 जनवरी को सीनेट की बैठक हो। तो सवाल यह उठता है कि एक दिन पहले अगर सीनेट की बैठक होगी भी वो अपने पद पर बने ही रहेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है? यहां मैं आपको यह बताऊं कि सीनेट पर यह व्यवस्था पहले हो चुकी है कि सीनेट ने कई सदस्यों को, कई जजों को, कई हाईकोर्ट के ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को उनके पद से हटने के बाद भी उस पर मुकदमा चलाया है, उसका ट्रायल हुआ है और उन पर लगे आरोपों की जांच हुई है। यह पहला मौका होगा जब अमेरिका के सीनेट में किसी राष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, अगर लगी तो। ऐसा अब तक नहीं हुआ है, इसलिए यह पता नहीं चल पा रहा है कि सीनेट की उस बैठक में क्या होगा। लेकिन सीनेट की उस बैठक में अगर यह तय हो गया कि उस बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाए तो 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद से हट जाने के बावजूद ये संभव है कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो उसकी जांच हो और वो प्रक्रिया आगे बढ़े। अगर ऐसा होता है, अगर उन पर इम्पीचमेंट पारित हो जाएगा और सीनेट से भी अगर इम्पीचमेंट पर मुहर लग गई तो वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे जिन्हें इम्पीचमेंट करके हटाया जाएगा। हालांकि ये भी सही है कि उस समय तक वो अपने पद से हट चुके रहेंगे क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया रहेगा। लेकिन कार्यकाल खत्म हो जाने या ऑफिस से निकल जाने के साथ ही उन पर लगे आरोप खत्म नहीं होंगे। और उन पर क्या आरोप है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी छोटी मोटी बातें बताने की कोशिश करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप पर एक तो बहुत बड़ा आरोप ये लगा है कि जब वो ऑफिस में थे तो दो महिलाओं ने, जिनमें एक महिला पोर्न स्टार थी और एक दूसरी महिला जो है वो एक बहुत ही मशहूर मॉडल थी, महिलाओं का नाम मैं इस कार्यक्रम में जानबूझकर नहीं लूंगा क्योंकि हमारे समाज में जैसा कि आप जानते हैं इस तरह की चीजें अच्छी नहीं मानी जाती हैं और महिलाओं का सम्मान रखने के लिए मैं किसी महिला का नाम नहीं लूंगा। हालांकि नाम सबको पता है, मुझे भी पता है। तो जो दो महिलाएं हैं जिनमें एक पोर्न स्टार है एक मॉडल है, उन महिलाओं ने यह आरोप लगाया था डोनाल्ड ट्रंप पर कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन दोनों के ही यौन संबंध थे जिसे छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें पैसे दिए थे। लेकिन मामला यह है कि जब वो राष्ट्रपति पद पर थे उसके पहले जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव लड़ते समय जो उनका चुनाव का फंड था, जो कंपेन फंड था, उस कंपेन फंड से पैसे उन महिलाओं को दिए गए थे जो कि नियम के विरुद्ध था। और जब ये मामला आगे बढ़ा तो 2018 में जो डोनाल्ड ट्रंप के वकील थे, जो उनके प्लीडर थे, लीडर थे, उनको दोषी पाया गया और दोषी पाने के बाद उन्हें 3 साल की सजा हुई। ये 2018 की बात है। उस समय राष्ट्रपति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए कि वो राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए थे जिस पर किसी तरह का इस तरह का आरोप नहीं लग सकता था या किसी भी कोर्ट में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप उन आरोपों से बच गए। लेकिन जब वो अपने पद पर नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, तो ये मुद्दे एक बार फिर उठेंगे और ये मुमकिन है
कि इसकी कार्रवाई आगे बढ़े, और यह भी हो सकता है कि जिस तरह उनके सहयोगी के उनको वकील को 3 साल की जेल की सजा हुई, उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को भी जेल की सजा हो। क्या हो, कैसे हो, यह तो अदालत तय करेगी। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने टैक्स में हेरा फेरी की, टैक्स में चोरी की, टैक्स का पैसा उन्होंने बचाया, और उसके बारे में उन्होंने टैक्स डिपार्टमेंट को ढेर सारी गलत जानकारियां दी। ये जब वो राष्ट्रपति थे उस समय यह बात उठी थी, और इस बात को ये बात पहुंची थी जो जो अमेरिका के बहुत बड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे साइरस वॉन्स के पास। साइरस वॉन्स ने इसके लिए जरूरी कागजात मांगे थे, इनकम टैक्स के पेपर दिखाने को कहे थे, और यह कहकर मना कर दिया गया था कि ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति की ये चीजें गोपनीय है, इसे सार्वजनिक हम नहीं कर सकते हैं, और राष्ट्रपति पद पर होने की वजह से उनके कागजातों को लीक नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर उनके कागजातों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इस बिना पर वो कागजात प्रोसिक्यूटर को नहीं दिए गए, और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बच गए। डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरा मामला है, वो ये है कि जो उनकी अपनी रियल एस्टेट की कंपनी है ट्रंप फाउंडेशन, तो उस ट्रंप जो रियल एस्टेट की कंपनी है उसने हेराफेरी की थी। उसने हेराफेरी ये की थी कि बैंकों से कर्ज लेने के लिए अपनी संपत्ति को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था। ये पाया गया था, बाद में साबित भी हो गया था कि उन्होंने जिस संपत्ति का दावा किया था उसकी कीमत उतनी नहीं थी। यह भी एक क्राइम है, और इस क्राइम में सजा हो सकती है, यह सजा डोनाल्ड ट्रंप को हो सकती है क्योंकि वो उस ट्रंप फाउंडेशन के मालिक थे। लेकिन फिर एक बार यह बात हुई कि जब यह मामला आगे बढ़ा, जब उनकी जांच हुई, तो यही कहा गया कि वो जांच के कागजात सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है, तो मामला दब गया और डोनाल्ड ट्रंप बच गए। लेकिन जब वो पद पर नहीं रहेंगे, ये मुद्दा फिर उठेगा, जिन बैंकों से उन्होंने पैसे लिए थे, जो घपला हुआ था, वो फिर एक बार इस मुद्दे को उठाएंगे, ये मामला आगे बढ़ेगा, और हो सकता है कि ट्रंप साहब को सजा हो। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पर कई महिलाओं ने अलग अलग समय में यौन हमले का, सेक्सुअल अटैक का, सेक्सुअल ऑफेंस का, और यहां तक कि बलात्कार के भी आरोप लगाए हैं। वो आरोप बहुत लंबे हैं, 1990 के दशक से ही चल रहे हैं। उस समय मैं फिर कह रहा हूं कि नाम नहीं लूंगा, लेकिन एल मैगजीन की एक कॉलमनिस्ट थी, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 1990 में एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ बलात्कार किया था। बिल्कुल उस महिला ने रेप शब्द का इस्तेमाल किया था, और यह मामला अदालत में था, जिसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने फेक न्यूज कहके खारिज कर दिया था। उसके बाद एक बात और उठी और एक दूसरी महिला सामने आई, उन्होंने यह आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसे नौकरी देने के लिए बेवरली हिल्स के एक होटल में बुलाया था, और वहां पर उन्होंने उस पर सेक्सुअल अटैक किया था। वह एक यौन उत्पीड़न का केस था, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसे भी फेक न्यूज कहा था, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करके खारिज कर दिया था, और उस महिला ने उसके बाद उन पर डिफेमेशन का आरोप लगाया था और कम से कम 3,000 पाउंड के हर्जाने की मांग की थी। वो मामला भी दब गया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पर और भी कई तरह के आरोप है, और तो और दूर की बात छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप के अपने घर के लोगों ने उन पर आरोप लगाया है। उनकी भतीजी है मेरी ट्रंप। मेरी ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप थे, जो डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई थे, और फ्रेड ट्रंप जब सिर्फ 42 साल के थे तो उनकी मौत हो गई। उनकी बेटी मेरी ट्रंप उस समय नाबालिग थी, 16 से कम की थी, इसलिए उनकी संपत्ति, उनकी जायदाद के रख रखाव का काम डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। अब मेरी ट्रंप यह आरोप लगा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें घपला किया था, बड़े पैमाने पर हेराफेरी की थी, और उसके संपत्ति, उसके पैसों की रक्षा करने के बजाय पैसा साइफन ऑफ कर लिया था, और उसने बहुत सारा पैसा उसके फंड से, उसकी संपत्ति से निकाल लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर है इसे भी खारिज कर दिया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पद पर नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, तो उन पर सेक्सुअल ऑफेंस, बलात्कार जैसे मुकदमे चलेंगे, उन पर टैक्स वायलेशन का मुकदमा चल सकता है, उन पर बैंकों के साथ फोर्जरी करने का मुकदमा चल सकता है, यहां तक कि उनकी अपनी भतीजी उन पर पैसा साइफर ऑफ करने का मुकदमा चला सकती है। ये सारे के सारे जो हैं वो अगर साबित होते हैं तो उसमें जेल की सजा होती है। कब होती है, कितनी होती है, क्वांटम ऑफ
पनिशमेंट क्या होता है ये समय बताएगा, ये अदालत तय करेगा। लेकिन इतना साफ है कि राष्ट्रपति पद पर बने होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को जो सुविधा मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी। और तो और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो सेडिशन का चार्ज लग सकता है, ये चार्ज लग सकता है कि उन्होंने राष्ट्र के खिलाफ काम किया, ये आरोप लग सकता है कि उन्होंने देश के लोगों को क्रांति करने के लिए उकसाया था, ये आरोप लग सकता है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की थी, उसके लिए भड़कावा दिया था। और अगर सेडिशन के चार्जेस लगते हैं तो उसके लिए अलग से मुकदमा चलेगा। जाहिर है उस समय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, उनका डिफेंड करने वाले कोई नहीं रहेंगे और वो उनके लिए बहुत मुश्किल का समय होगा। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जो आज है, क्या वो जेल के सलाखों की ओर जा रहा है? पता नहीं, इसका फैसला समय करेगा। तब तक आप देखते रहिए satyahindi.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें satyahindi.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।